मोहम्मदी गन्ना समिति के गांव नरहरा के काश्तकारों ने गन्ना सचिव पर भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के गंभीर आरोप लगाए हैं। किसानों की माने तो ग्रामवासियों का कहना है कि ग्राम नरहरा के गंगाराम की संपूर्ण परिवार में कुल जमीन 65 बीघा है, जबकि अंकित सट्टा में 123 बीघा दर्शाई गई है, जो एक फर्जीवाड़ा को दर्शा रही है। रामेंद्र प्रताप के नाम डबल सट्टा कोड संख्या 856/126 एवं 140 कोड से समित मोहम्मदी में चल रहे हैं, तथा क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने किसान सट्टा प्रदर्शन में भूमि कागजात एवं घोषणा पत्र जमा किया था। काश्तकार की माने तो, परंतु किसी भी काश्तकार के समित द्वारा संशोधन नहीं किया गया है, ना कि घोषणा पत्र पर अमल किया गया है। किसान दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कर्मचारी एवं सचिव ऑफिस से नदारद हैं, कार्यालय में ताले लटक रहे हैं। किसानों के फर्जी कैलेंडर में फर्जी का फेर बदल भी किया गया है। किसानों ने समिति की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। जो वाड़े वाले वो बंद करे जाए, असली काश्तकारों को कोई परेशान कर रहे हैं ये लोग। मतलब आपका कहना है कि फर्जी जो सट्टे चल रहे हैं वो उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? आज भी धूमधाम से चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। बढ़िया, जो सही काश्तकार उनको परेशान करा जा रहा है, फर्जी चल रहे हैं। आपका नाम क्या है? सुनील कुमार शर्मा। क्या समस्या लेके आए हैं आप सोसाइटी में? समस्या ये लेके आए हैं कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई है जुलाई में जी, और हमने उनका जो बेसिक कोटा और जो भी सैले वगैरह सर्वे वगैरह अपने नाम ट्रांसफर करवाई थी जी जी जी, और वो अब फाइल नहीं मिल रही कभी के, एक महीने से हम परेशान भी है। 5 तारीख से मिल चल रही, उसके रोज हम आते। नाम क्या है? शिव कुमार वर्मा जी। आप अपनी समस्या पर रखिएगा। समस्या हमारी है, हमारे सट्टे लाग हैं, गन्ना कोलू पर बेचना पड़ रहा है। अच्छा, फर्जी सट्टे क्या चल रहे हैं? फर्जी एक परिवार के 4 सट्टे हैं, 2 फर्जी हैं।